माय किचन। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और आज का जो डिनर है वो होने वाला है जुगाड़ू डिनर। मतलब मैं फ्रेश नहीं बना रही हूँ कुछ भी, जो भी मैं कर रही हूँ वो सब यू नो लेफ्ट ओवर चीजों से कर रही हूँ। लेकिन 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 होने वाला है बहुत ही यमी, सिंपल येट टेस्टी एंड डिलीशियस। सो देखिए, मेरे पास ये है चावल, स्टीम चावल, और ये थोड़े से चिपकू हो गए हैं। इट्स ओके, अभी मैं इनको हो जाएंगे ठीक। साथ में है थोड़ी सी मिक्स वेज, इसमें है शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, आलू, टमाटर, प्याज, मटर नहीं है, थोड़ी सी है दाल। और इसके अलावा थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है तो मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ। एक टमाटर फ्रेश और एक प्याज। सो गाइस, मैंने बोला था कि मैं एक प्याज लूंगी और एक टमाटर, तो टमाटर तो मैंने एक ही लिया है, लेकिन प्याज बहुत ही छुटकू छुटकू सी थी तो मैंने ले ली है दो। और कढ़ाई मैंने रख दी है, फटाफट से कर लेते हैं अपनी चॉपिंग। रफली चॉप कर लेना है, ज्यादा फाइन चॉप नहीं करना है। वैसे तो ऑलरेडी उसमें है टमाटर प्याज, पर थोड़ा सा चंक भी आने चाहिए ना, फ्रेश कच्चे वाले जो आता है वो उसका अलग ही मजा आता है। तो देखिए, एकदम से रफली चॉप कर लिया है। कढ़ाई हमारी हो गई है गर्म, इसमें मैं डालूंगी घी। सो, आज हम यूज करेंगे घी देसी। देसी देसी ना कर छोरी, छोड़ा हूं ऐसे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये है गाय का प्योर घी। तो मैं यहां पर ले रही हूं 2 चम्मच भर के। तो घी को होने देना है गरम। मुझे लहसुन दिख गया तो थोड़ा सा लहसुन भी चॉप कर लेती हूँ। तो 3 से 4 कर लिया मैंने, कर ली है लहसुन की चॉप। घी हमारा हो गया है। सो गाइस, घी हो गया है, ऐड कर देंगे जीरा, लहसुन, थोड़ा सा हींग और टमाटर प्याज में डाल दूंगी साथ में। ये सिजलिंग साउंड ना, आई जस्ट लव इट। ऐड करेंगे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक। गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। ये चावल थोड़ा चिपकू चिपकू से थे, अदरवाइज खिले खिले चावल हो ना तो माय गॉड, पर टेस्ट में कोई कमी नहीं आने वाली है उससे। हाँ, लुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा।
अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी साइड में, और इधर गैस ऑन करके मैंने रख दिया है इस पर तवा, क्योंकि मुझे बनानी है अब रोटियां। सो आटा मेरा लगा हुआ रखा था, ऑब्वियसली ये भी दिन का ही है बचा हुआ, तो मैं अपने देसी स्टाइल में बना लूँगी थोड़ी सी चपाती, 4 से 5, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। फ्रेंड्स 4 से 5 रोटियां बना लूंगी मैं, और ये आटा भी दोपहर का रखा हुआ है, तो आज जो है सब कुछ रखे हुए से काम चल रहा है। ये फुली फुली रोटियां, यम्मी टेस्टी। तैयार हो गया है, अब मैं लगा लूँगी अपनी प्लेट, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कर दूँगी आसपास की हल्की फुल्की सी क्लीनिंग। तो सामान मैंने उठा कर रख दिया है, और उसके बाद एक कपड़े की हेल्प से मैंने किचन टॉप को कर दिया है साफ, और डीप क्लीनिंग करूँगी मैं अभी डिनर के बाद में। और अब हम कर लेते हैं अपना खाना सर्व, उसके बाद में अपना खाना इंजॉय करते हैं, और मिलते हैं फिर आपसे। सो देखिए हमारी डिनर की थाली लग गई है, देसी स्टाइल की बची हुई सब्जी और चावल से फ्राइड राइस, चपाती, दही और दाल। दाल को मैंने सिंपली गरम कर लिया है, और ये थाली है मेरे छोटे बेटे की, फिर मैं लगाऊंगी अपने लिए। बड़ा बेटा ऑलरेडी ले जा चुका है। सो कर लो, आजा बेटा, डिनर इज रेडी। मेरी थाली भी लग चुकी है, और अब मैं आपसे मिलती हूँ डिनर के बाद। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, टाइम हो चला है लगभग 10:30 हो चले हैं, 10:15 या 10:30 के लगभग हो चले हैं, और अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन में अपने आज का फाइनल काम करने के लिए, जो कि होता है दूध बनाना। तो यहाँ पर मैं दोनों बेटों के लिए और अपने हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा दूध ले लूँगी, लगभग 3 ग्लास ही, छोटे छोटे ग्लास हैं मेरे, और ले लिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध, रात में हल्दी वाला दूध ही पीकर सोते हैं मोस्टली। हॉर्लिक्स वाला दूध मैं बच्चों को दिन में बनाती हूँ, रात में नहीं बना कर देती हूँ, और जब से कोरोना चला है तब से तो एक टाइम हल्दी वाला दूध मैं दे ही रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुगर ऐड कर दी है अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग, लगभग 3 से 4 चम्मच ऐड कर दी है, और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, लगभग 1/2 चम्मच के लगभग मैं हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी वाला दूध बच्चे नहीं पी पाते हैं, पर इतना वो ले लेते हैं। और इसको मैं लाइक बॉयल नहीं करूँगी, बस गर्म ही करूँगी जितना हमें चाहिए, क्योंकि ये दूध ऑलरेडी पका हुआ है, कच्चा दूध नहीं है। तो इसको बस गरम करना है, और इसकी जो शक्कर है और हल्दी है उसको मैं स्पून की हेल्प से अच्छे से इसमें घोल दूंगी, और जो हमारा हल्दी वाला दूध है वो हो जाएगा तैयार। हस्बैंड का मन नहीं है आज लेने का, इसलिए उनके लिए नहीं बनाया। वो होता है कभी कभी कि नहीं मूड होता है, तो इसलिए बस आज हम तीनों लेने वाले हैं, दोनों बेटे और मैं। और ये इस वाले फ्राई पैन से जब भी मैं चाय या दूध छानती हूँ ना, चाय भी छानती हूँ, तब भी गिरता है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा गिर ही जाता है, कितना संभाल के मैं डालती हूँ फिर भी तो हल्का सा गिर गया है। तो पहले मैं इसको कर दूँगी हाथ के हाथ से साफ, अदरवाइज़ थोड़ा सा भी रह जाता है तो फिर चीटी वगैरह आ जाती है ना, वैसे भी ये तो मीठा दूध है। सो गाइज़, आज के नाइट रूटीन का ये है मेरा आखिरी काम, क्योंकि किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, डिनर हमारा हो गया था काफ़ी टाइम पहले, और अब लगभग 10:30 बजे हैं,
और अब ये है हल्दी वाला दूध जो कि हम सब पीने वाले हैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं। सो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। लो बेटा ये आयुष को दे दो, आयुष पकड़ लो बेटा सही से, देखिए चलो ये आपका, ये मम्मा का, मैं बाय बोल दूँ फिर लेती हूँ, है ना। सो गाइस चलिए आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। रख क्यों दिया, गिर ना जाए, पहले पी लो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो बाय बाय, गुड नाइट फॉर नाउ, सी यू सून। ये आ गया इसमें, हाँ डीएसपी, बाय।